से कितनी बार कहा है कि मेरे जूते को हाथ मत लगाया करे। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे इस तरह बहुत ज्यादा मत किया करो। बस इतना ही हौसला है। हाँ इतना ही हौसला है। खाना खा के आया। चाय पी ली। और ये कोट कॉलेज से इसी तरह तशरीफ लाते हैं जनाबे आगे। हाँ तुम्हें कोई एतराज है क्या? कोई एतराज नहीं, हमारी तो ख्वाहिश है कि आप यही कोट पहनकर रोज गुसल फरमाया करें। एक जो तुम्हारी आदत है ना सर, मुंह चादर में लपेट कर सोने की, लाश की तरह पड़ी रहती हो। दो सेमिनार, मीटिंग्स और ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर 3 बजे से पहले कहां फरागत मिलती है मुझे? तो मुझे किस बात की सजा मिलती है जो 1 बजे खाना पकवाया जाता है मुझसे? और तुम्हें और इसके अलावा और काम क्या है? एक खाने तो तुम बनाती हो। और ये खाली टिफिया ये कौन उठाएगा? तुम और कौन? जी नहीं, जिसने गन डाला वो उठाएगा। ये मेरे बाप का घर है, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ गन डाल सकता हूँ। ये मेरे भी बाप का घर है, मेरा भी इख्तियार है, मैं जो चाहूँ। नहीं, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। अगर ये मेरे बाप का घर नहीं तो ये किसी के बाप का घर नहीं है। यूसुफ, ये तेरी बहन राशिदा है। अस्सलाम वालेकुम। बहनों के लिए भाई उठ खड़े नहीं होते, ये तकल्लुफ गहरों में चला। बैठो शाबाश। आपके घर में कोई औरत नहीं है जी? है, बिल्कुल है। क्या है जी? बैठी तो है हमारे सामने, हमारी बेटी। मेरा मतलब था कि यूसुफ, ये तुम्हारी बहन राशिदा है, श्रीनगर की रहने वाली। फर्स्ट फर्क ये है कि श्रीनगर से मैं 40 बरस पहले आया था और ये अब्बा। लेकिन अब्बा, तू तो कहता था कि मेरे सिवा तेरा और कोई बच्चा नहीं है। आप ठीक कहते हैं जी, मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, मैं तो एक बेसहारा बेयारो मददगार औरत हूँ जो अपने लापता खावन की तलाश में वादी से यहाँ तक आ पहुंची है। मेरा हावन डोकरों की कैद में था, काफी अरसा वहां पे रहा और फिर वहां से भी फरार हो गया। लोगों से पता चला कि वो वादिये कश्मीर में कहीं आ गया है। रात की तारीकी में जब बॉर्डर क्रॉस करके मैं यहाँ तक आई तो मुझे पता चला कि वो वहां पर भी नहीं है। उसकी तलाश में न जाने कहां दर-बदर फिर रही हूं। देखा तूने यूसुफ, मेरे श्रीनगर की बच्चियां कितनी बहादुर होती हैं। आजाद कश्मीर के गांव में हुए 2 महीने ढूंढते-ढूंढते पता चला कि वो पिंडी आ पहुंचा है। उसकी की तलाश में कल से यहां आ गई हूं। पिंडी में आपका कयाम कहां है? अरे तू देख नहीं रहा, बैठी तो है अपने बाप के घर तेरे सामने। कल रात मैंने स्टेशन के मुसाफिर खाने में गुजार दी और आज बन्नी के बस स्टॉप से ये मुझे यहाँ ले आए। आपको इस तरह अकेले रहते हुए डर नहीं लगता? अजनबी जगहों पर अकेले रहते रहते अब मैं इस बात की आदी हो गई हूँ। लेकिन इस तरह अकेले रहते हुए खाने पीने के और सफर के अखराजात कैसे पूरे होते होंगे? जब घर से निकली थी तो मेरे पास काफी ज्यादा जेवर था, उससे सारे अखराजात पूरे हो गए थे। अब मेरे पास बस 200 रुपए और हाथ का एक ही कंगन बचा है। अरे दूसरे आपका कंगन हम बनवा देंगे अपनी बेटी को। तुमसे एक बात करनी। बोले। अच्छा ऐसा करो, पहले ये फेंक दो, उसके बाद बात। जी
फरमाइए। अच्छा, तुमसे एक मशवरा करना था। फी मशवरा 32 रुपए निकालिए। वो भी मिल जाएंगे। तुम अपने जज्बात पे थोड़ा काबू रखो और अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए एक मुझे मशवरा दो कि तुम्हारा भाई यूसुफ क्या करे, कॉलेज जाए या कॉलेज छोड़ दे। देखा, वही बात हुई ना जिसका डर था। कैसी है वो? अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिर भी किस कदर? भाई पाकिस्तानी से तो बहुत बेहतर है। हाय मेरे अल्लाह, हम अपने भैया की शादी किसी गैर मुल्क की लड़की से नहीं करेंगे। शादी गैर मुल्क की? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? हमारे मुल्क में हीरे जैसी लड़कियां पड़ी हुई हैं। मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ और तुम क्या फॉर्म का कि ये नंद पुणे के फॉर्म देख रही हो? नौकरी किसकी? दुबई के शेखों की नौकरी, एजुकेशन एडवाइजर की नौकरी यार। 2000 सैलरी है और फ्री रिकमेंडेशन है। दुबई, ये जो बहरीन कुवैत के पास है। हमें क्या पड़ी है इस कदर दूर जाने की? अरे बाबा, ये नौकरी मुझे ऑफर हुई है और ऐसी नौकरियां जो होती है ना, ये पढ़े लिखे लोगों को ऑफर होती है। हम नहीं जाएंगे यूसुफ भाई, और अगर इस दौरान जलाल की कोई खबर आ गई तो हम कैसे मिलेंगे उनसे? अरे तुम्हें कौन लेके जा रहा है? हाँ, तुम यहीं रुको अपने वालिद साहब के घर और अपने खावन का इंतजार करो।